दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पावर गैजेट्स आपके लिए हर एक नए वीडियो में कुछ नए गैजेट और कुछ कमाल के प्रोडक्ट्स आपके लिए लाने की कोशिश करता है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरसी कार से लेकर एक छोटा सा रोबोट टॉय और इसी के साथ और भी कमाल के गैजेट भी आपसे मिलेंगे। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को सेट कर लीजिए ऑल पर, और फिर आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज की शुरुआत होगी रॉय भी रोबोट से। दोस्तों, आप सब भी जानते हैं आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ लर्निंग रोबोट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही तेजी से देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको ऐसे गैजेट देखने को मिलते हैं जिनका इस्तेमाल बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए किया जाता है, जो कि खास तौर से बच्चों की लैंग्वेज एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इसमें आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, इसी के साथ में एक छोटा सा कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि आपके बच्चों को काफी सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी कराता है। जिन्हें लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जिन्हें बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये इन सारी चीजों को दूर कर देता है। इसी के साथ इसमें आपको अलग अलग टास्क भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपके बच्चे भी इसमें इंगेज रहते हैं और एक्टिविटीज के चलते कुछ नए नए चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो इसी तरह की चीजें आपके इस लर्निंग रोबोट में देखने को मिलती है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। AI पावर्ड होने के चलते ये आपको नए नए टास्क भी देगा, और आप जैसे अपने रूम के अंदर एंटर करेंगे तो ये आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। साथ ही इसमें आपको पेरेंटियल ऐप भी मिल जाएगा, जिससे आप ये भी जान सकेंगे कि आपके बच्चे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसे आप इस पे नजर भी रख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह के गैजेट पिछले कुछ दिनों से फेमस हो रहे हैं, जो काफी ज्यादा ऑसम टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही आपके बच्चों के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बर्ड बडी, आपको याद होगा हमारे बचपन में बर्ड्स को चावल और दाना पानी डाल दिया करते थे, और बहुत सारी बर्ड्स भी इन्हें देखकर आ जाया करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं बर्ड्स की तादाद भी कम ही होती जा रही है। वैसे भी इन सबके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि पॉल्यूशन और दाना पानी न मिलने के कारण भी कुछ बर्ड्स तो भूखे ही मर जाते हैं। पर स्टिल ये बर्ड बडी भी एक स्मार्ट बर्ड फीडर है, जिनमें बहुत से एडवांस फीचर इनमें आपको मौजूद मिलेंगे, जिनके चलते जब भी इनके आसपास कोई भी बर्ड्स आती है तो इनमें मौजूद कैमरा इसे डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि बर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन के चलते ये बर्ड्स को भी पहचान लेता है। साथ ही इसमें एक माइक्रोफोन भी मौजूद होता है, जिससे कि बर्ड्स की आवाज को आप तक भी पहुंचा देता है, जिसे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई बर्ड्स आई है। ये कैमरा बर्ड्स की फोटो को भी क्लिक कर सकता है, यानी इसे आप बर्ड्स की फोटो के कलेक्शन भी तैयार करके आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, और साथ ही आप शेयर भी कर सकते हैं। इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जैसे इनमें बर्ड्स आती है तो ये आपके फोन तक भी नोटिफिकेशन को पहुंचा देता है, और आप इंस्टेंटली बर्ड बडी के कैमरे से आप बर्ड्स को भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप भी बर्ड से करते हैं प्यार, तो आप इस बर्ड बडी को भी अपने घर ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्म MV6 पावर चार्ज बम्बलबी। दोस्तों, आपको इस गैजेट को देखकर इसके नेम से आपको बम्बलबी मूवी याद आ गई होगी, जिसका पूरा फोकस बम्बलबी था, जो सभी का फेवरेट भी है। अगर आप भी फैन हैं बम्बलबी के, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह के यूनिक तरह के गैजेट को। इसके स्लाइड को आप ज्वाइन करके आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कार में कुछ लाइट्स भी मिल जाती है, साथ ही इसमें कुछ साउंड्स भी मिल जाते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म लगती है। इतनी छोटी सी कार से ट्रांसफॉर्म होके एक बम्बलबी ट्रांसफॉर्म होना वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। वैसे मूवी में तो ये सारी चीजें एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए दिखाई जाती है, बट रियल में बाकी के टॉय से एक इतने बड़े गैजेट में चेंज करना वाकई में कमाल का रहता है। तो गाइस, आप कौन से ट्रांसफॉर्म को पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। अब गाइस, आप मिलिए लोपी लूपर से। गाइस, स्पिनर का यूज अभी तक हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए और एंटरटेनिंग के लिए यूज करते हैं, पर जो ट्रेडिशनल स्पिनर होते हैं उनका लुक और डिजाइन भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। उन्हें आप एक ही डिजाइन में देख देख कर बोर भी हो चुके होंगे, पर आज आपके लिए एक ऐसा स्पिनर है वो काफी ज्यादा एडवांस और बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहेगा। तो गाइस, आज आपके लिए हाजिर है लोपी लूपर,
जो खास तौर से डिजाइन किया जाता है। वैसे ट्रेडिशनल फिडजिट स्पिनर में आपने देखा होगा उसका जो मिड पार्ट है उसको पकड़ कर रोटेट कराना होता है, पर इस गैजेट में इस चीज को अपडेट कर दिया गया है। इसी के साथ इसमें एक छोटी सी बॉल्स भी मिल जाती है जिससे आपको बॉल को स्पिनर में डालना होगा, फिर इसके बाद आपको इसे रोटेट करना होगा, जिसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए एक नए तरह का फिडजिट स्पिनर भी तैयार हो जाएगा। इसे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एंटरटेन के लिए भी काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, साथ ही बच्चों को भी काफी हद तक पसंद भी आता है। तो ओवरऑल गाइस अगर आप फिडजिट स्पिनर को लाइक करते हैं तो आपके लिए लॉपिलो पर भी एक बेस्ट गैजेट हो जाता है। रॉक क्रैवलर। दोस्तों बच्चों को आरसी कार से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, और अगर गाड़ी का लुक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए कुछ इस तरह की आरसी कार के जैसा तो और भी ज्यादा लोग इस चीज को प्रेफर करने लगते हैं। तो गाइस अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन सी आरसी कार को परचेज करना चाहते हैं जो बेहतर लुक के साथ आती हो तो इस तरह की आरसी कार आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ये एक ऐसा कॉलर होता है जिसके टायर्स भी काफी ज्यादा मोटे देखने को मिलते हैं। इन्हें आप फ्लैट सरफेस के अलावा इन्हें आप काफी सारी जगह पर भी चला सकते हैं। बेसिकली इस तरह के टॉय काफी ज्यादा मजबूत तैयार किया जाता है जो काफी जल्दी खराब भी नहीं होते। इसके साथ आपको एक इसका रिमोट देखने को मिल जाता है जिसे आप इसे इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो गाइस कमाल का रहता है इस तरह का आरसी कार जिसका लुक्स भी काफी ज्यादा ऑसम रहता है, साथ ही बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पोक लाइट एलईडी। दोस्तों हम में से बहुत से लोग जो प्रोफेशनल राइडर हैं वो अपनी साइकिल को एक नए अंदाजे में देखना चाहते हैं, इसी के साथ साइकिल को बेहतर लुक देने के लिए यूज करते हैं एलईडी लाइट का। पर अगर आप एक प्रोफेशनल लाइट को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं स्पोक एलईडी लाइट को। इसे लगाने का मेन रीजन होता है ये हमारी साइकिल को एक ऑसम सा लुक देती है, साथ ही नाइट के राइडिंग के दौरान ये आपको विजुअल भी बना देती है जो कि इसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसी तरह से लाइट्स के साथ जब भी आप रात में निकलते हैं तो कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और ये चीजें भी नाइट के टाइम भी रिस्की रहती है जो हो सकता है रात के टाइम कोई भी गाड़ी आपको ना देख पाए, और ऐसी सिचुएशन में ये लाइट आपकी विजुअलिटी को पूरा रखती है। साथ ही इन्हें आप अलग अलग कलर में भी परचेज कर सकते हैं और इन्हें आप ब्लिंकिंग मोड पर भी चला सकते हैं जिससे इनकी विजिबिलिटी और काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो जाती है। इसी के साथ इनमें एक माउंट भी दे रखा होता है जिन्हें आप अपनी साइकिल के स्पोक्स में भी अटैच कर पाएंगे, साथ ही इन्हें आप दो अलग अलग कलर में भी एक साथ यूज भी कर सकते हैं और आप इसे अलग अलग पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं। अगर गाइस आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। वेस्को बैकपैक। दोस्तों हम ज्यादातर अपने बैग में बुक्स एंड फाइल वगैरह को कैरी करते हैं, पर वेस्को बैग एक प्रीमियम बैकपैक है जहां पर आपके डेली के टाइम में यूज होने वाली सभी चीजों को लगभग इस बैकपैक में रख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लैपटॉप और चार्जर जैसे डिवाइस को भी कैरी कर सकते हैं। इसके डबल लेयर में फूड वगैरह वाले आइटम को भी रख सकते हैं, एंड इसके स्टोर होने के लिए इसमें बैकपैक में स्पेशल स्पेस भी दिया जाता है जिसे आपने तो किसी भी बैकपैक में देखा ही नहीं होगा। वैसे आप इसे बाहर से देखेंगे तो देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, पर आप इसके अंदर की साइड में देखेंगे तो इसमें आपको काफी सारा कैरी करने के लिए कंपार्टमेंट भी तैयार किया जाता है। इस बैग को और भी ज्यादा खास बना देती है इसकी सीक्रेट पॉकेट, लाइक जैसे आपको कोई भी एक्सेसरीज वगैरह को रखना है और स्पेशली आपको ड्रिंक को स्टोर करने के लिए आपको इसमें बंक भी देखने को मिलेगा जो आपकी ड्रिंक को भी एनी टाइम ठंडा रखेगा क्योंकि इसका कंपार्टमेंट भी कुछ इसी तरह का होता है। तो ओवरऑल गाइस अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा ऑसम सा बैकपैक है जो आपकी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीज को भी इजी वे में स्टोर कर सकता है। अब गाइस आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तब तक ले गाइस आप सेफ रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नए गैजेट के साथ।